रमना महर्षि तो वो साइलेंस पर ज़्यादा उनका जोर था कि जीवन से कुछ उसे बोलने पर काफ़ी मतलब वो शिक्षा देने चाहते थे कि ही वॉन्ट टू बी साइलेंस मोर देन टीचिंग. नहीं, जिन्होंने भी सिखाया है अगर वो वास्तव में बोधियुक्त हैं तो मौन की ही शिक्षा देंगे. गुरु का काम ही यही होता है कि आपको शोर से मौन की ओर ले जाए, तो इसमें कोई अंतर नहीं है. बोलने के तरीके में अंतर हो सकता है, वो अपनी अपनी परिस्थितियों और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि किस रूप में आप व्यक्त करेंगे. अन्यथा इस मामले में सबकी बात और शिक्षा बिल्कुल एक है, कोई अंतर नहीं. मैं कैसे जानूं मेरा रास्ता बुद्ध की तरफ से या वीरा की तरफ से, समर्पण या ध्यान? आगे का रास्ता नहीं जान सकते, पर याद रखिएगा आगे का रास्ता वही होता है जो अभी का रास्ता बनाने वाला होता है. आप जैसे हैं, आपका निर्णय वैसा ही होगा, तो निर्णय आपको क्या फल देगा इसके लिए भविष्य की सोचने की जरूरत नहीं है. बस ये देख लीजिए कि अभी आप कैसे हैं, जैसे हो करके आप निर्णय कर रहे हैं वैसा ही उस निर्णय का परिणाम निकलेगा. आप अंधे होकर निर्णय कर रहे हैं, निर्णय आपको गड्ढे में गिरा देगा. आप समर्पित होकर के निर्णय होने दे रहे हैं, निर्णय आपको और गहरे समर्पण की ओर ले जाएगा. आप शांति में निर्णय होने दे रहे हैं, निर्णय से आपकी शांति और गहराएगी. आप गुस्से में निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय के फल आपको और क्रोध में ढकेलेंगे. क्या परिणाम निकलेगा वो जाहिर सी बात है, जैसा कर्म वैसा कर्म फल. और कर्म कैसा होता है? जैसा करता. तो जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो बस ये देख लीजिए कि अभी कैसे हैं आप. जिस स्थिति में आप कर्म कर रहे हैं बिल्कुल वैसा कर्म फल आपको मिल जाने वाला है, उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं. मोह में निर्णय लेंगे, लालच में निर्णय लेंगे, वैसा ही उसका परिणाम आ जाएगा. अपनी स्थिति पे गौर कर लीजिए, आगे की मत सोचिए, अभी आपकी क्या हालत है उस पे गौर कर लीजिए. होता क्या है ना कि अपनी हालत पे गौर किए बिना कर्म फल का अंदाज लगाना बड़ा सुविधापूर्ण रहता है. क्यों? आप कल्पना कर सकते हैं ना, आप कल्पना कर सकते हैं कि बबूल बो रहे हैं और इसमें से आम खाएंगे, क्योंकि अभी फल तो आया नहीं है. जब आया नहीं है तो कल्पना करी जा सकती है, तो कर लो कल्पना. उस कल्पना को काट दीजिए. काटने का सूत्र बता रहा हूं कि जो आपकी स्थिति है ठीक वैसा आपको परिणाम मिलेगा. कह गए हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए. उससे भी एक कदम पीछे चले जाइए, आम कर्म फल है, बबूल को बोना कर्म है, और कांटेदार मन जो बबूल बोता है वो करता है. वो क्या है? करता. तो बस उस मन को देख लीजिए कि मन कैसा है. मन को देखते ही समझ जाएंगे कि क्या बोएगा, बबूल. इतने कांटे हैं इसमें कि ये तो बबूल ही बोएगा, और बबूल बोएगा तो उसमें से निकलेगा क्या? और कांटे. बस हो गया, भविष्य पूरा आपके सामने जाहिर हो जाएगा. ये तो आप उम्मीद करिएगा ही मत कि कांटेदार मन लेकर के केले का फल मिलेगा. हाँ, आप कांटों को केला बोल दे तो अलग बात है, वो भी लोग करते हैं. कांटा नहीं है, केला है, उतारो छिलका.
संदीप ने पूछा था, क्या इंटेलिजेंस का प्रयोग करके भविष्य का पता लगाया जा सकता है? आ गया उत्तर, हो गया ना, चल गया भविष्य पता। आखिरी है ये कि आत्मसम्मान और ईगो में क्या अंतर है। आत्मसम्मान भी कुछ विशेष होता नहीं, स्व का अभिमान तो अहंकार है, मैं क्या हूं उसको लेकर के मैंने कल्पना कर ली, यही अहंकार है। वो कल्पना बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आप ये सोचें कि आप बहुत उत्कृष्ट हैं तो भी अहंकार है, आप ये सोचें कि आप बड़े निकृष्ट हैं तो भी अहंकार है, आप सोचें आप बड़े सुंदर हैं अहंकार हुआ, आप सोचें कुरूप हैं अहंकार हुआ, आप अपने विषय में जो भी धारणा बनाते हैं उसी का नाम अहंकार है। जो आपने अपने बारे में सोचा उसी को आप ही अहंता कहते हैं। तो आत्म को, अपने आप को विचार में रखना ही अहंकार है, अपने प्रति एक अनजानेपन का भाव बना रहना चाहिए, उसी को कहते हैं आत्मा का अज्ञेय होना। कभी मत कहिए कि मैं अपने आप को जानता हूं, आप तो आत्मा हैं और आत्मा को जाना नहीं जा सकता, तो आपने अपने आप को जान कैसे लिया? अपने से एक तरह का अजनबीपन बना रहना चाहिए, तभी तो आप अपने आप को अनुमति दे पाएंगे ना, आप प्रत्याशित काम करने की, तभी तो कह पाएंगे अरे देखो ये मैंने क्या कर डाला, मुझे तो पता भी नहीं था, देखो ये मुझसे क्या फूट पड़ा, मैं तो जानता भी नहीं था। अगर आप अपने आप को जानने ही लग गए पूरी तरह, तो फिर तो आपसे जो कुछ होगा वो सुनियोजित होगा, फिर तो आप मशीन हो गए। मशीन को ही जाना जा सकता है, जादू को जाना जा सकता है। अपने आप को एक सुदूर जादू की तरह रहने दीजिए जिसको जाना नहीं जा सकता, मैं कौन हूं जो अपने आप से नावाकिफ है। और इस बात को ये ना समझिएगा कि आप में आत्म अज्ञान है, ये आत्म अज्ञान की बात नहीं है, ये महासम्मान है। आपने आत्मा के सामने सर झुका करके कहा है कि तुझे जाना नहीं जा सकता, और आपने कहा है मैं आत्मा हूं, अंततः मैं अपने आप को जान तो नहीं सकता। जो भी कुछ आपने अपने आप को जाना है उसका नाम क्या हुआ? अहंकार। और आत्मसम्मान हुआ अपने आप को जानना बिल्कुल भी नहीं, प्रयास भी नहीं। समझ रहे हैं? जैसे ही आप अपने आप को जानने लग जाते हैं, आपके मन में आपका एक खाका खिंच जाता है, फिर आपको ये भी लगने लग जाता है कि आप में कहाँ कमजोरी है कहाँ मजबूती है, फिर आपको ये भी लगने लग जाता है कि आप में कहाँ कमी है कहाँ पूरापन है। जहाँ आपको कमजोरी लगती है आप उसको भरने की कोशिश में लग जाते हैं, जहाँ आपको मजबूती लगती है आप उसको भुनाने की कोशिश में लग जाते हैं, फिर तमाम तरह के उपद्रव शुरू हो जाते हैं, फिर आप अपने ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं, आप कहते हैं अब मैं वो सब करूंगा जो मेरी मेरे बारे में मान्यता है, क्योंकि मैं वो हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं। मैं कौन हूं? मैं आधा अधूरा हूं जिसे एक साथी की जरूरत है। वैसे ही रही है कि बुल्ला की जाना मैं कौन, बिल्कुल वैसे। पर हम कहते हैं हमें तो खूब पता है, जैसे ही पूछा जाएगा जरा अपने बारे में कुछ बताएं, अजी साहब लीजिए आप, वो बुल्ले शाह थे अनाड़ी, वो नहीं जानते थे की जाना मैं कौन, हम तो सब जानते हैं। तो आत्मसम्मान हुआ यही कहना, क्या की जाना हम नहीं जानते। इसके अलावा आप अपने आप को और किसी रूप में नमन कर नहीं सकते, क्योंकि और किसी भी तरह से नमन करोगे तो यही कहोगे कि जानता हूं कि मुझे क्या पसंद है, उस रूप में नमन कर रहा हूं। बस यही बोल दो, हम तो ये भी नहीं जानते कि अपना सम्मान कैसे करें, और यही आत्मसम्मान है।
दिक्कत ये आएगी कि जो पारंपरिक अध्यात्म है उसने हमसे कहा है कि सबसे पहले तो स्वयं को जानना चाहिए, फंस गई बात। वही मैं कहने वाला था कि वो तो कहते हैं अपने को जानो। अपने को क्या जानोगे, क्या है जानने के लिए? और जानोगे तो यही करोगे कि मेरा वजन कितना है, ये जान लोगे, और किस रंग के कपड़े पहन रखे ये जान लोगे, दोस्त यार कौन है ये जान लोगे, बैंक में पैसा कितना ये जान लोगे। अपने को जानने के नाम पे और क्या जानोगे? जो तुम वास्तव में हो वो जानने के पार की बात है, कैसे जान लोगे? बड़ा अहंकार है कि मैं तो जान लूंगा खुद को, बस ऐसे ही रहो, कैसे की जाना मैं कौन। जब तुम उसे जानते नहीं हो तब तुम उसे मालिक बनने देते हो, फिर तुम उसकी छत्र छाया में पलते हो। हम तो कहते हैं हम अपने को भी जानते हैं, हम तो बुल्ले शाह को भी जानते हैं। बुल्ले शाह वो भी नहीं जानता अपने आप को, हम जानते हैं। हम जानते हैं, बढ़िया। जवाब में वो भी हद से हद नकार कर पाए थे, कुछ चीजों से इनकार किया था, ये भी नहीं हूँ, 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 आखिर तक भी एक शब्द नहीं कहा कि क्या हूँ। और हम लगे हुए हैं कहने में कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। भाई जरा नमित रहो, थोड़ा सर झुका के रखो, श्रद्धा चाहिए। नहीं पता कि कौन है हम, पर जो भी है मस्त है, जो भी है मस्त है। जैसे कहते हो ना, जानते नहीं है, नाम नहीं जानते, पता ठिकाना नहीं जानते, उम्र नहीं जानते, धर्म नहीं जानते, पर जो भी था तो वैसे ही अपने लिए, कुछ पता नहीं है पर जो भी है। कहिए तो अबाउट योरसेल्फ बता दीजिए, जो उसे जानना है, वो जो जानना चाहता है दे दीजिए। ये सब तो खेल नाटक प्रपंच है, इनको खुल के खेलिए, इनमें हिचकिए मत, इनमें ये मत सोचिए कि अरे Who are you पूछ लिया तो कैसे बता दूं कि मैं तो अज्ञेय हूं। उसको जो सुनना है सुना दीजिए, ठीक है। हर सवाल का अपना एक संदर्भ होता है, हर सवाल का एक तल होता है, उस तल से ऊपर उठ के उत्तर सिर्फ गुरु को देना चाहिए। और इंटरव्यू जैसी स्थिति में आप साक्षात्कारकर्ता की गुरु नहीं है, सिर्फ गुरु का ये फर्ज है कि अगर सवाल इस तल पे पूछा गया है तो समाधान इस तल से आए। बाकी जीवन की हर स्थिति में जिधर का सवाल ठीक उधर का ही जवाब दीजिए। Actually, many times the interviewer is not even interested in knowing about you, he is interested in knowing how you communicate, whether you are रात में इधर उधर घूम रहे हैं, पुलिस वाले ने पूछा कौन हो भाई, आपने कहा हम ब्रह्मास्मि।
तो जमानत भी मुश्किल से होगी, कई धाराएं लगेंगी एक साथ। जिस तल पे सवाल पूछा गया उसी तल पे जवाब दीजिए। वो तभी हो पाता है, सम्यक व्यवहार भी तभी हो पाता है जब आप पहले आत्मनिष्ठ रहें, जिसको आप निश्चय कह रहे हैं। तो जब आप सही जगह स्थापित हैं तो फिर आप हर जगह सही और अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं, फिर आप वैसे नहीं हो जाते हैं। कहानी सुनी है ना कि एक गुरु जी थे, तो उन्होंने चेले को नया नया सिखाया कि कण कण में नारायण होते हैं। तो उसको बात बड़ी अच्छी लगी, कण कण में नारायण होते हैं। तो सामने से हाथी चला रहा था, हाथी पर महावत बैठा है, उन्होंने कहा तो नारायण चले आ रहे हैं, ऊपर से महावत चिल्ला रहा है हट जाओ। हाथी ने उठा के फेंक दिया, दो चार हड्डी हड्डी टूटी। फिर गुरु जी के पास आए, बोले आपने तो कहा था नारायण होता है कण कण में। मैंने कहा कण कण में तो होता है, महावत में भी तो था, वो जब बोल रहा था हट जाओ तो हटे क्यों नहीं। तो बात को उसके तल से हटा के नहीं लेना चाहिए।